इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन कार्स वर्सेस लैम्बोर्गिनी कार्स। तो हम लोगों के पास टोटल में यहाँ पे तीन इंडियन कार्स हैं, जिसमें हम लोग का सबसे पहला है होंडा सिटी, बीच में हम लोग का ह्यूंडई क्रेटा एंड एक भाई स्पेशल स्विफ्ट है। लैम्बोर्गिनी में भाई मेरे पास एक से एक गाड़ियां हैं। यहाँ पे हम लोग के पास सबसे पहले आता है लैम्बोर्गिनी कुंटाज, देन है हम लोग के पास लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो एंड है भाई लैम्बोर्गिनी का एसवीजे रोडस्टर। मेरे पास ना एक और स्पेशल कार है जिसका हम लोग लास्ट में टेस्ट करने वाले हैं, वो है ये पॉल वॉकर टोयोटा सुपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, चैनल में नया है जरूर सब्सक्राइब करना, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग अपनी इंडियन कार का ही टेस्ट करेंगे जो कि है ह्यूंडई क्रेटा। भाई खतरनाक है, इसको स्टार्ट किया जाए। ओ भाई, ओ न्यूट्रल भाई न्यूट्रल। इसका जो व्हील बेस है ना थोड़ा ऊंचा है, तो भाई आई थिंक ये अच्छा खासा वर्क कर सकता है। भाई भाई चल चल, क्या हो रहा है तेरे को, चल भाई पहला जंप हम लोग का, ये एंड्योरेंस टेस्ट ट्रैक है। आप सबसे पहले हम लोग को नोज ड्राइव करेगा भाई गाड़ी का, तो सस्पेंशन टूट सकता है भाई फ्रंट का, एंड देखते हैं कौन सी गाड़ी कितना लंबा कितना डिस्टेंस क्रॉस करता है। भाई ये टेढ़ा जा रहा है, ये टेढ़ा जा रहा है भाई, सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा। जब तक हम लोग का गाड़ी चल रही है ना, तब तक हम लोग ये सारे गाड़ियों को जंप कराएंगे। जहां गाड़ी हम लोग का इंजन बंद हुआ वहां पे हम लोग का भाई गाड़ी का फेल। भाई ये तो भाई इंपैक्ट डिटेक्टेड स्टॉपिंग कार, भाई ये तो बोलते ही भाई सुन लिया था क्या यार। ओहो चल रहा है चल रहा है। ओ मैन आई थिंक यहाँ पे ये ह्यूंडई क्रेटा फंस चुका है। अगर आप लोगों को मैप में दिखाओ तो भाई हम लोगों का ये लंबा सा रूट है भाई, हम लोगों का जो गोल रहेगा ना वो लास्ट तक आने का, यहाँ पे हम लोग का हाईवे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ तक आने का रहेगा। ह्यूंडई क्रेटा यहाँ पे आके फेल हो जाता है, एक दो तीन, भाई सिर्फ और सिर्फ तीन जंप इसने कर पाया है। नेक्स्ट कार हम लोग भाई लैम्बोर्गिनी में से सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि है लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो। भाई ये ना बहुत ही क्रेजी गाड़ी है, एंड भाई ये ब्रांड न्यू है लैम्बोर्गिनी में। लेट्स स्टार्ट द कार। ओ भाई क्या स्मूथ साउंड है, ओ कितना लाउड साउंड है यार। देखो लैम्बोर्गिनी ना बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो आई थिंक ये क्रॉस तो इजीली कर सकता है, बट कंट्रोल कैसा होगा भाई। स्टीयरिंग तो गड़बड़ कर रहा है पूरा मेरा स्टीयरिंग। बाइक क्रेटा को आई थिंक हम लोगों ने पार कर लिया है, बट अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कंट्रोल करने में। भाई वेट वेट मैन, ये तो कुछ जल्दी ही फेल हो गया भाई। सीधा हो जा सीधा हो जा सीधा हो जा। ओके ओके ओके, आई थिंक अभी भी वर्क करेगा। यस यस, पीछे का टायर गया है लेकिन अभी भी ये वर्क करेगा यार। भाई इसको रिवर्स लेते हैं एंड ट्राई करते हैं भाई सामने से जंप कराने का। इसका टायर एक्चुअली डैमेज है, स्टिल ये रनिंग कंडीशन में है। नो भाई, स्टीयरिंग व्हील गड़बड़ पूरा एकदम अपने दे रहा है, क्या हो रहा है भाई, नहीं चल पाएगा आई थिंक यहाँ पे, ये फेल करता है। ओके हम लोग इसको ना साइड में पार्क करते हैं ताकि मार्किंग रहेगा हम लोग का एंड रोड क्लियर रहे। ओके लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो पांच जंप कर पाया है भाई, देख रहे हो यहाँ पे छठवे पे आके रुक गया है यहाँ पे। नेक्स्ट इंडियन कार में से भाई हम लोग ट्राई करने वाले ये होंडा सिटी। भाई चालू किया जाए इसको, भाई क्या साउंड है इग्निशन का, लेट्स सी इसका साउंड कैसा है एंड परफॉर्म कैसे करता है। ओके फ्रंट व्हील ड्राइव है, हियर वी गो। भाई इंडियन कार्स का ऑब्वियसली यार लैम्बोर्गिनी से कंपैरिजन में स्पीड तो कम होगा, बट ड्यूरेबल कितने रहते हैं भाई। चल आराम से, तू इजीली जंप कर सकता है भाई। क्रेटा को अभी हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं क्रेटा कहाँ पे है। आई थिंक यहीं पे क्रेटा रहेगा ना, आगे वाले जंप में है। ओके यार सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम लोग का, क्रेटा के ऊपर से हम लोगों ने जंप किया भाई इंडियन कार्स का। एक्चुअली ये भाई क्या हो गया भाई, लॉक क्यों हो रहा है भाई, ये क्या हो गया था यार, ये तो कुछ तो गड़बड़ था यहाँ पे हम लोग का। आई थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से दिक्कत हो रहा था, बहुत गंदा तरीके से फंसा। आई थिंक लैम्बोर्गिनी अभी तक ज्यादा लीड किया है, लैम्बोर्गिनी क्योंकि बगल में ही है यहाँ पे भाई। लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो हम लोग का यहाँ पे है, तो सिटी यहाँ पे है भाई। सिटी को भी हम लोग काउंट करेंगे कि इसने भी पांच जंप किया है। ओके हियर वी आर लैम्बोर्गिनी में, अभी हम लोग ट्राई करेंगे भाई लैम्बोर्गिनी एसवी रोडस्टर। इसको चालू करते हैं यार, इसका भी साउंड बहुत लाउड होगा भाई साहब। V12 इंजन का साउंड, ओ एंटी लॉक के साथ है ये, कितना ज्यादा बैक फायर मार रहा है भाई। चल चल परफॉर्म अच्छा करना, स्पीड तो अच्छा रहेगा आई नो, 8 सेकंड स्टीयरिंग को दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा भाई। देखते हैं लैम्बोर्गिनी ये वाली कहां तक पहुंच सकती है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, वेट अ सेकंड, एयर बैग खुल गया है भाई। भाई इसको रिवर्स लिया जाए एंड आई थिंक ये और अच्छा खासा वर्क करेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है भाई, ट्रांसमिशन गया एंड ये तो गंदा फंसा है भाई। क्रेटा यहाँ पे आई थिंक, क्या भाई ये क्रेटा के बाद ही है बस ये लैम्बोर्गिनी एसवीवी ना हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ तीन जंप कर पाया है भाई। एयर बैग इसका पूरा खुल गया है, इंजन अभी भी वर्किंग है बट ये बाहर नहीं जा पा रहा है।
पता नहीं क्या सीन है इसका, बाहर ही नहीं जा पा रहा है। तो अब बारी है भाई हम लोगों की स्विफ्ट की। ये स्पेशल स्विफ्ट है भाई, ये फुल्ली ऑफ रोड बिल्ड वाला स्विफ्ट है। आई थिंक ये अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्म कर सकता है इंडियन कार्स के लिस्ट में। उम्मीद बहुत ज्यादा है ये स्विफ्ट से। लेट्स स्टार्ट द इंजन। भाई साउंड सुन रहे हो, साउंड सुन रहे हो भाई, डीजल इंजन है क्या भाई? ब्लैक स्मोक्स निकल रहे हैं, देख रहे हो? ओ मैन क्या साउंड है। एंड यहाँ पे हम लोगों के पास डिफरेंशियल लॉक करने का भी है, प्लस नाइट्रोस भी है। तो भाई मैं नाइट्रोस को तो आर्म करके ही चलाऊंगा। लेट्स सी भाई स्टीयरिंग कितना भारी हो गया है मेरा। ओके मेरे को ना आई थिंक स्टीयरिंग में फुल फोकस करके पकड़ना पड़ेगा, तभी ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। देख लो पहला जंप इजी जंप था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा जंप इजी था भाई, सस्पेंशन भाई मेरे को लग रहा है ना आगे का राइट टायर टूट सकता है। ओके लैम्बोर्गिनी सामने होगी एंड क्रेटा को हम लोगों ने पार किया। भाई हम लोगों को देखते हैं कहाँ तक जा सकती है भाई। हम लोगों ने सिटी को भी पार किया। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अभी तक क्रॉस किया है। ओ मैन लेट्स सी भाई हम लोगों को इससे हाईवे पहुंचना है भाई। टायर मत टूटना, बस इसका टायर ना टूटे, बाकी सब ठीक है यार, बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइट इज वर्किंग, अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नाइट्रोस हम लोग को बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। लेट्स सी, आई थिंक मेरे को लग रहा है, उम्मीद हो गया भाई इससे, ये ना पूरा जंप को ईजिली क्रॉस करेगा। तो आई थिंक भाई देखो लैम्बोर्गिनी एक बचा हुआ है जो कि हम लोग को, आई डोंट थिंक वो पार कर पाएगा यार। टू बी ऑनेस्ट भाई वो सिर्फ स्पीड के लिए बना है, वो ये सारे टेस्टिंग के लिए नहीं बना है। भाई क्या हो गया, व्हील खराब हो गया इसका, एक साइड टर्न ले लिया है आगे का, राइट व्हील ही खराब हुआ है भाई, देख रहे हो? ओके थोड़ा सीधा हुआ है। हम लोग लैम्बोर्गिनी वाले साइड में आ गए हैं। कूलेंट ओवर हीटिंग भाई, हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए हैं ये जो हम लोग का एंड्योरेंस एरिया है। आई थिंक भाई मैप में ओपन करके देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे। भाई सामने हाईवे दिख रहा है। फाइनली लेट्स टच द हाईवे। ओके सीधा हो गया, हाँ सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके धीरे धीरे चलते हैं भाई, टर्न हो जाएगा भाई, टर्न भाई। इसका ना व्हील देखो आप लोग, व्हील ना डैमेज हो गया आगे का भाई। थर्ड पर्सन से हटते फर्स्ट पर्सन, देख रहे हो क्या हालत हो गया भाई इंटीरियर का। मैन अभी भी लेकिन पूरा प्रॉपरली एकदम इंटीरियर इंटैक्ट है भाई। इसमें रोल किस लगा है, तभी तो ये एकदम परफेक्टली है भाई साहब। हम लोग हाईवे आ गए फाइनली, कोई थी तो गाड़ी टच करी एंड वो है ये सुजुकी स्विफ्ट ऑफ रोड बिल्ड भाई। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद था एंड इसने भाई अपना रियलिटी दिखा दिया भाई। इंडियन कार्स यहाँ पे हम लोग का विन लेके जा रहा है, बट हम लोगों के पास एक लैम्बोर्गिनी बचा है। ये है लैम्बोर्गिनी कुंटाज, ये भी ब्रांड न्यू गाड़ी है, ओल्ड कुंटाज का सक्सेसर है भाई। स्टार्ट करते हैं इसको। ये भी V12 इंजन आई थिंक भाई, क्या साउंड है इसका यार। फर्स्ट पर्सन इसका देखे भाई, इंटीरियर देख रहे हो क्या क्रेजी इंटीरियर दिख रहा है यार। बीम एंजिन ना एक्चुअली VR सपोर्ट भी करता है, तो आप लोग को बीम एंजिन VR का वीडियो देखना है ना, मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। हियर वी गो लास्ट लैम्बोर्गिनी भाई, ये तो पहली गया, इतना ज्यादा पतला है ना, ये पहली गया भाई। पलट भाई, क्या था ये, इतना ज्यादा पतला था ये ना, कुछ ज्यादा हुआ ना। सबसे कम डिस्टेंस आई थिंक यही लैम्बोर्गिनी क्रॉस किया है भाई। टायर भी टूट गया, इंजन अभी भी वर्किंग है बट टायर टूट गया है एंड पलट गया भाई। इसका कोई चांस नहीं है आगे जा सकता है। तो आई थिंक भाई द क्लियर विनर यहाँ पे हम लोग का इंडियन कार्स है। बट अभी हम लोगों के पास एक और गाड़ी बचा है, वो है ये टोयोटा सुप्रा, वो भी पॉल वॉकर की। स्टार्ट करें इसको भाई, इसमें भी नॉस दिया हुआ है, देख रहे हो भाई, नॉस स्प्रे भी हो रहा है इसका। नाइस मैन, क्या मॉडल है। लेट्स स्टार्ट द इंजन। क्या साउंड है भाई, खतरनाक। लेट्स गो, भगाते हैं भाई साहब, क्या साउंड है, क्प्यारा साउंड है। चल भाई इंडक्शन सिस्टम डैमेज भाई, एक सेकंड यार, चलेगा। HKS का भाई यहाँ पे इंटरकूलर लगा हुआ है। लेट्स सी भाई, भगाते हैं भाई, बहुत ट्रैक्शन लूज कर रहा है ये, एक्चुअली में दिक्कत हो रहा है इसका। उम्मीद नहीं थी मेरे को इस सुप्रा से इतना फेल करेगा ये, बट साउंड है तो यार
मेरे को तो पता नहीं इनका साउंड क्या ही नाइट्रो स्प्रे करता है यार, ये क्या ही नाइट्रो स्प्रे करता है। देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है भाई।